भारतीय टीम के पूर्व ओपनर ने इंग्लैंड की टीम के पूर्व कप्तान की घनघोर बेइज्जती की है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकी। सब्सक्राइब कीजिए विकी क्रिकी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले पाएं। 31 जनवरी साल 2019 को भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ एक वनडे मैच में 92 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इसके लिए टीम इंडिया की आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त टीम में रोहित शर्मा, एमएस धोनी, शिखर धवन और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी थे। हालांकि आलोचना न भी हो तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि 5 मैचों की वनडे सीरीज भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही 3 मुकाबले जीतकर अपने नाम कर ली थी। चौथे मुकाबले में अगर टीम फेल भी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन भारतीय टीम के 92 रन पर ऑल आउट होने पर इंग्लैंड की टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने चुटकी ली थी और आलोचना करते हुए कहा था कि 92 रन पर ऑल आउट, यकीन नहीं हो रहा कि टीम आज के समय में भी 100 से कम रन पर ऑल आउट हो सकती है। उस समय किसी को उनकी बात शायद बुरी नहीं लगी थी, लेकिन एक भारतीय खिलाड़ी ऐसा था जिसने उनका ट्वीट सेव कर रखा था और अब वक्त आने पर उसी ट्वीट के जरिए माइकल वॉन को उस खिलाड़ी ने ट्रॉल किया है। जी हाँ, बिना एक शब्द कहे भारतीय टीम के पूर्व टेस्ट ओपनर वसीम जाफर ने माइकल वॉन की घनघोर बेइज्जती कर दी है, क्योंकि उनके देश की टीम भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में महज 68 रन पर ऑल आउट हो गई है। माइकल वॉन को ट्रॉल करते हुए वसीम जाफर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने उसी ट्वीट को दिखाया है जिसके जरिए उन्होंने भारतीय टीम की आलोचना की थी। आप भी देखिए ये वीडियो। ये है ना माइकल वॉन की घनघोर बेइज्जती। आप भी इस बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।